मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी लूट क्यों होने दी? मुख्यमंत्री और उनके विधायक और प्रशासन ये कहां सो रहा था? आपकी इन अस्पताल के लोगों से क्या मिलीभगत थी, क्या साठगांठ थी कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था? हॉस्पिटलों की ऑडिट होनी चाहिए, हॉस्पिटलों ने अनाप शनाप बिल चार्ज किए हैं, क्यों इन्होंने दिल्ली के लोगों की लूट होने दी? 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक प्रतिदिन ICU के बेड के रेट लिए, एक एक व्यक्ति ने 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये का बिल पे किया है। कि विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री सब तमाशा देखते रहे, और जिन परिवारों की दिल्ली में जो हमारे भाई बहन है मृत्यु हुई है, पूरे बिल जिनके मृत्यु हुई है वो दिल्ली सरकार को वापस करने चाहिए। देखिए, इस दिल्ली के कोरोना काल के अंदर दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए 50,000 रुपये, 2 किलोमीटर के 20,000 रुपये, ये जो धर्म के आधार पर कोरोना वेरियंट्स को कंपनसेट देते हैं, ये बहुत ही गलत है। जो कोरोना वेरियंट्स हैं वो सभी कोरोना वेरियंट्स हैं, और मुख्यमंत्री का काम ये है कि सबको समान दृष्टि से देखें। दिल्ली के लोगों को दिल्ली सरकार के संरक्षण में लूटा गया, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। निश्चित रूप से जितनी उसकी निंदा की जाए कम है, और वो मुख्यमंत्री पद से नैतिक दायित्व के आधार पर उनको त्याग पत्र देना। नमस्कार, स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल जी, आइए इनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो दिल्ली में हालात हैं, क्या उस पर केजरीवाल सरकार ढंग से काम कर रही है? जी सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि हम दिल्ली की जनता के साथ हैं, तब भी दिल्ली की जो जनता है वो पलायन क्यों कर रही है? नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार इस कोरोना की सेकेंड वेव में पूरी तरह से फेल हुई है, और उन्होंने आपराधिक लापरवाही की है, लोगों की बड़ी संख्या में जान गई है, और लोगों ने अपने धन की भी बहुत हानि की है। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका विषय प्राइस कैपिंग था, कि जो 20 जून 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली सरकार ने जो पॉल कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी जो रेट्स हैं वो निश्चित किए गए थे कि इससे ज़्यादा कोरोना काल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर पाएंगे, जिसमें उन्होंने 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक, जिसमें के ICU बेड, नॉन ICU बेड और ICU बेड विद वेंटिलेटर, ये तीन कैटेगरीज जिसमें अलग अलग रेट तय किए थे। लेकिन पूरे इस कोरोना काल की सेकेंड वेव के अंदर हम लोगों ने देखा है कि लोगों को सड़कों पे मरते हुए देखा है, लोगों को हॉस्पिटल के बाहर मरते हुए देखा है, और हॉस्पिटलों ने 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक प्रतिदिन ICU के बेड के रेट लिए, एक एक व्यक्ति ने 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये का बिल पे किया है, और उसके बावजूद भी वो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार और परिजनों को बचा नहीं पाया। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी लूट क्यों होने दी? आपकी इन अस्पताल के लोगों से क्या मिलीभगत थी, क्या साठगांठ थी कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था? मुख्यमंत्री और उनके विधायक और प्रशासन ये कहाँ सो रहा था? ये क्यों इन्होंने दिल्ली के लोगों की लूट होने दी? ये आज एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि इन हॉस्पिटलों की ऑडिट होनी चाहिए। तीसरा बड़ा प्रश्न है कि जिन हॉस्पिटलों ने अनाप शनाप बिल चार्ज किए हैं, और जिन परिवारों की दिल्ली में जो हमारे भाई बहन है मृत्यु हुई है, उनके सारे अनाप शनाप बिल और पूरे बिल जिनके मृत्यु हुई है वो दिल्ली सरकार को वापस करने चाहिए। सर, दिल्ली में जो लगभग 90 डॉक्टरों का निधन हो गया है, उसके बावजूद भी उनका कोई ट्वीट या फिर कोई भी संतावना उनके लिए नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर अनस मुजाहिद जी के निधन हो जाता है तो वो उनके परिवार वालों को जाकर 1 करोड़ रुपये का चेक देते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो धर्म के आधार पर वो राजनीति करती है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और मुख्यमंत्री अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से जितनी उसकी निंदा की जाए कम है, और वो मुख्यमंत्री पद से नैतिक दायित्व के आधार पर उनको त्याग पत्र देना चाहिए। जो कोरोना वेरियंट्स हैं वो सभी कोरोना वेरियंट्स हैं, और मुख्यमंत्री का काम ये है कि सबको समान दृष्टि से देखें। लेकिन ये जो धर्म के आधार पर कोरोना वेरियंट्स को कंपनसेट देते हैं, ये बहुत ही गलत है। सर, आप सरकार ने जो एम्बुलेंस सेवाएं व्यवस्थाएं की थी और बाद में मेडिकल उपकरणों की जो कालाबाजारी हुई है, उसका लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो एम्बुलेंस के लिए उन्होंने 2019 में चालू की थी, जिसमें कहा था कि हम मोबाइल एम्बुलेंस कर रहे हैं, 19 की उन्होंने शुरुआत की थी कि 2000 बढ़ाएंगे और तंग गलियों से लेकर आएंगे, और दिल्ली के मेरे भाई बहनों के लिए एक बड़ी अच्छी सेवा है। लेकिन आप देखिए, इस दिल्ली के कोरोना काल के अंदर दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए 50,000 रुपये, 2 किलोमीटर के 20,000 रुपये,
दिल्ली के लोगों को दिल्ली सरकार के संरक्षण में लूटा गया और उनके विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री सब तमाशा देखते रहे। तो किसी भी एक व्यक्ति पर उन्होंने पूरे इस संकट के दौरान कार्रवाई नहीं की, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। आज की प्रेस वार्ता में एक ईमेल आईडी दिल्ली बीजेपी की तरफ से साझा की गई, उस ईमेल आईडी का मकसद क्या है? नहीं, उस ईमेल आईडी से हमारा मकसद ये है कि जिन भी लोगों को जो ये अनाप शनाप बिल अस्पतालों को देना पड़ा है और जिनके परिवार में हानि हुई है, उसके बावजूद भी उनके शरीर को देने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल ने जब दबाव बनाया, तो वो सारे बिल इस ईमेल आईडी पर भेजें। हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे और उनसे दबाव बनाएंगे कि ये सारे के सारे पैसे उन परिजनों को वापस करें, और अगर मुख्यमंत्री ने नहीं किया तो दिल्ली की हकों की जनता के लिए दिल्ली भाजपा हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी, और हम मुख्यमंत्री आवास पर जाना पड़ा इसके लिए तो बिल्कुल जाकर धरना भी देंगे। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में जिस तरह से आप सरकार लगातार मेडिकल उपकरणों पर की जा रही कालाबाजारी पर रोक नहीं लगा पा रही है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया जिसके माध्यम से दिल्ली बीजेपी सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है, जो मरीज़ हैं उन्हें लूटा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ मैं गुरप्रीत, ओ न्यूज़ दिल्ली।